स्वागत करती हूँ। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइन पर। बीजेपी कांग्रेस के इन नेताओं के बीच चलती है खूनी लड़ाई, घाट पर ही लोगों ने कर दिया पथराव। घरेलू कलह से तंग आकर युवक ने की आत्महत्या। गुस्साई योगी सरकार ने कर दिया गाजियाबाद एसएसपी का ट्रांसफर। अब खबरें विस्तार से। बीजेपी कांग्रेस के इन नेताओं के बीच चलती है खूनी लड़ाई, घाट पर ही लोगों ने कर दिया पथरावबाज। नई दिल्ली गाजियाबाद के साहिबाबाद के पूर्व विधायक अमरपाल शर्मा और खोड़ा नगर पालिका के चेयरमैन रीना भाटी के बीच जंग छिड़ गई है। रीना भाटी बीजेपी से है तो अमरपाल शर्मा कांग्रेस से है। मामला अमरपाल शर्मा पर छठ पूजा के दिन हुए पथरावबाज से जुड़ी है। बताया जा रहा है अमरपाल पर और रीना भाटी के पति की हत्या करने का आरोप लगा है। वहाँ पे पहले से मौजूद थे, उनके पास करीब 100-150 आदमी बाहर के बैड एलिमेंट जिन्हें मैं कह सकता हूँ सारे के सारे पहले से मौजूद थे, और पहले से उनकी प्लानिंग थी कि अमरपाल शर्मा यहाँ आएगा और हमने अटैक करके उसको मारना है। जब मैं वहाँ से निकला था मेरे पीछे से उन्होंने पत्थरबाजी करी और फायरिंग ऊपर से करी। ये तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उन पुलिस वालों का कि जिन्होंने मुझे वहां से निकाल के और उस जनता को रोकने का काम किया। छठ घाट पे एक प्रकरण हुआ है जो अभी वीडियो वायरल हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए कहना क्या चाहेंगे, मंच हम लोगों का था, वहां पर हम लोग वहां बैठे हुए थे माइक पे। उस वक्त मैं लोगों से बातचीत कर रही थी और उसी वक्त अमरपाल सामने से आता है। सामने से आने के बाद में वो साइड से निकल जाता है हमारी तरफ को देखते हुए, लेकिन उसके पीछे पीछे पुलिस अधिकारी भी है, आगे भी है, साइड में भी है, और वो लोग उसे थोड़ी सी 10 कदम की दूरी पे छोड़कर आते हैं। कैथल जिले में एक युवक ने की आत्महत्या, वजह बना घरेलू कलह से तंग आकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि युवक सिर्फ 35 साल का है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का रहने वाला है। वह गुला चिका में पेंट का काम करता था। फिलहाल में पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। अभी मेरे को तलाह मिल दी ऐसे वार्ड नंबर 4 में एक भैया किराए पर रहते थे, उसने तलाह दी है, उसकी बेस पे अभी आए कार्रवाई कर रहे हैं जी। तो सामने तथ्य आए। कहाँ कहाँ का रहने वाला था सर? ये जिला गोरखपुर का रहने वाला है, यूपी का। ये पेंट का काम करता है। पेंट का काम करता है, तो आगामी कार्रवाई कैसी हो? आगे कार्रवाई कर रहे हैं। गुस्सा योगी सरकार ने कर दिया गाजियाबाद एसएसपी का ट्रांसफर। उपेंद्र कुमार को मिली जिले की कीमान। नई दिल्ली जिला गाजियाबाद में लगातार बढ़ते क्राइम की गाज पर आखिरकार एसएसपी पर गिर गई। दरअसल जिले के एसएसपी का ट्रांसफर कर दिया गया और साथ ही साथ देर शाम आई लिस्ट में एसएसपी गाजियाबाद वैभव कृष्ण का भी नाम था। फिलहाल अग्रवाल नए एसएसपी होंगे। खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव देखने के लिए एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।